नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, कल आपने देखा था कि हमारे यहाँ से जन यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा की रैली निकली गई थी। उस रैली में मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रामपुरा तहसील में जब वो रैली पहुँची थी, तो वहाँ के एक गाँव में पत्थर वार किए गए। उस रैली के ऊपर पत्थर मारे गए, जहाँ पर कई गाड़ियों को नुकसान हुआ, यहाँ तक कि उनके कांच भी फूट चुके हैं। ये आप वीडियो के अंदर देख सकते हो किस तरह पत्थरबाजी की गई है। आप वीडियो में देख सकते हो काफ़ी बड़ा काफिला है जन आशीर्वाद यात्रा का, लेकिन उससे भी बड़ा काफिला ग्रामीणों का है, जो कि गाड़ियों को पत्थर लेकर दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। और तो और यहाँ पर मतलब कमेंट भी आ चुके हैं कि कांग्रेस के कुछ आदमियों ने, कुछ लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही पत्थरवार शुरू किए गए हैं। साथ ही जो दोनों तरफ के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ बात रखी हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं दोनों तरफ के नेताओं की। जन आशीर्वाद यात्राएं जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकली हैं, और इनको अपार जन समर्थन जो मिला है। पांच यात्राएं हमारी निकली है, कल एक और बच्ची वो भी निकल रही है। तो इनका अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा, और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। यात्रा प्रारंभ हुई पांचवी, कल खंडवा से प्रारंभ हो रही है, और जो उसमें भीड़ उमड़ रही है, जो जनता आशीर्वाद देने के लिए, स्वागत के लिए लाखों की संख्या में उपस्थित हो रही, उससे कांग्रेस बौखला गई। और वही हरकत कांग्रेस ने की जो पिछली जन आशीर्वाद यात्रा में चुरहट में की थी, जब भी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ढंग से पथराव किया गया था, कांग्रेस की लिप्तता सामने आई थी। किस प्रकार कांग्रेस ने इस यात्रा को बदनाम करने के लिए उसमें जो बेतहाशा भीड़ है, उससे जो हताशा और बौखलाहट में जो कृत्य किया था पथराव का, वही कृत्य यहाँ भी मनासा में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित किया गया। इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। मैंने आपसे निवेदन किया है ना कि जब यह जन आक्रोश यात्रा जनता की ओर से अगले पायदान को छुएगी, तब भी यह कांग्रेस का ही नाम लेंगे। जितने पाप किए हैं वो कांग्रेस से पूछकर तो किए नहीं है, और पाप भुगतना होगा, ईश्वर न्याय करता है। जनता कब तक सहेगी? तो वही तो जनता का आक्रोश है। और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो के आखिरी दृश्य को देखते हुए मैं उमेंद्र बंजारा, न्यूज़ चैनल RJB से मिलते हैं MP की किसी नई खबर के साथ अगले वीडियो में।